नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट ज्ञान प्रकाश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, अर्णव गोस्वामी ने पालघर के जो दो साधु थे और एक उनका ड्राइवर, जिनकी लिंचिंग की गई थी पालघर में, उसके बाद उन्होंने अपने डिबेट शो में सोनिया गांधी से सवाल किया था, जिसके बाद उन पर सैकड़ों FIR दर्ज करवा दी गई और उसके बाद लगातार उनको हरासमेंट झेलनी पड़ रही है, घंटों घंटों उनसे पूछताछ चल रही है। तो क्या ये मीडिया को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है सोनिया गांधी? देखिए, इसके मैं ये कहना चाहूंगा कि जो संविधान में हमारे लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो दी गई है, उस पर सीधा सीधा हमला है। ये एक महाराष्ट्र सरकार के दबाव में ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, ये बेसिकली एक हैरेसमेंट हो रहा है और एक मीडिया को अपनी ताकत दिखाई जा रही है कि किस तरह से एक क्या कहते हैं सरकार एक मीडिया की स्वतंत्र आवाज को दबा सकती है। दो तो FIR रजिस्टर्ड हो जाना सुप्रीम कोर्ट में, जबकि एक मुकदमा पेंडिंग है उसकी तरफ से, उसे इंटरिम प्रोटेक्शन मिला हुआ है अर्णव गोस्वामी को, लेकिन उसके बावजूद पुलिस किस तरह से अपनी ताकत दिखा के, एक सरकार अपनी ताकत दिखा के उसको दबाना चाह रही है। और अब जो है उनके चैनल पे भी प्रहार है, चाहते हैं कि उसका चैनल क्या कहते हैं बंद हो जाए। तो उस तरह से क्या कहते हैं, ये एक मैं कह रहा हूं कि 70 साल के इतिहास में जो है एक जो संविधान की जो मूल भावना, उस पर जिस तरह से प्रहार हुए हैं, जैसे इमरजेंसी का टाइम ले लीजिएगा या और भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं, चाहे 84 के दंगे ले लीजिएगा या कुछ भी ले लीजिएगा, जैसे कांग्रेस ने और उसकी विचार वामपंथियों ने या उस तरह के लोगों ने जिस तरह से मीडिया को दबाव में अपने में लेकर और उनको अपनी भाषा बुलवाई है, वो इस प्रकरण में देखने को मिलती है। एक दो साधुओं की हत्या हो जाती है, उनके ड्राइवर की हत्या हो जाती है और मॉब लिंचिंग हो जाती है जिसमें पुलिस खड़े हो तमाशा देख रही है, ज्यादा पुलिस वाले थे, लेकिन उस प्रकरण को सोनिया गांधी, राहुल गांधी पूरी तरह से चुप है, कुछ नहीं कहना चाहते। और जो एक स्वतंत्र मीडिया है उसको उल्टा प्रहार हो रहा है, ये बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। मैं कहूंगा कि इस पे सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए वहां की पुलिस से, वहां की सरकार से ये पूछना चाहिए कि भाई इसमें क्या कहता आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या इन्वेस्टिगेशन के अलावा कुछ और कर रहे हो, और सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेते हुए CBI को इस इन्वेस्टिगेशन हैंड ओवर करे, कि वो महाराष्ट्र सरकार के जो असली चेहरा है या महाराष्ट्र पुलिस का जो असली चेहरा है वो इसमें सामने जो है दिख चुका है। जी जी जी, जिस तरीके से बांद्रा में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसके खिलाफ भी रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर हैं अर्णव गोस्वामी, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई और ये कहा गया कि उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद के सामने आखिर भीड़ इकट्ठा क्यों हुई, तो रजा एकेडमी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। तो क्या आज मीडिया को इतनी स्वतंत्रता नहीं है, अगर कहीं किसी स्थान पर घटना घट जाती है तो हमें ये बताने के लिए कोई स्वतंत्र नहीं है कि पीछे क्या था या पास में क्या था, कौन सी जगह है? क्योंकि मीडिया में जो रूल हमें पहले सिखाया जाता है वो वही होता है कि हमें 5 जो 5W1H है उसे फॉलो करते हुए सारे सवालों के जवाब हमें देने होते हैं। तो उसी तरीके से अर्णव गोस्वामी ने भी कहा था कि जामा मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठा हुई, तो आखिर इसमें आपत्ति क्यों है? वही है ना, ये महाराष्ट्र पुलिस का और महाराष्ट्र सरकार का दोगलापन है। जामा मस्जिद के सामने, क्या जामा मस्जिद संविधान से ऊपर है? या वहां पे अगर कोई भीड़ इकट्ठी हो जाती है या वहां पे क्या कहते हैं कोई गैर कानूनी गतिविधि होती है या वहां की एक हरकतों से कोरोना फैलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये विषय बहुत ही सेंसिटिव है। वहां पे व्हाट्सएप के जरिए एक रूमर फैलाई जाती है जिससे जो लेबर तबका है वो वहां पे आके इकट्ठा हो जाता है, लेकिन वो जगह जामा मस्जिद एक खास विचारधारा के लोगों ने एक वो रूमर फैलाई, जो चाहते हैं कि इस देश में बर्बादी हो, कोरोना फैले, महामारी फैले, लोग मरे, उनको उनको लोगों के मरने से कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक सरकार के विरोध में अपनी बात जो है गलत तरीके से रखनी है। जो तो वो अगर उस विषय पे अर्णव गोस्वामी ने अपने चैनल पे बिठाया लोगों को और ये कहा कि भाई ये जामा मस्जिद पे भीड़ कैसे इकट्ठी होगी, तो इसमें क्या गलत है? वो तो फैक्ट है, और उस पर सरकार ने क्या कहते हैं वहां की सरकार ने अपना मुकदमा वगैरह भी दर्ज किया है कुछ लोगों के खिलाफ, लेकिन उस पर अगर मीडिया बोलता है तो इनको क्यों प्रॉब्लम होती है? मैंने ऐसे भी चैनल देखे हैं यहाँ पे जिसमें क्या कहते हैं एक खुलेआम
वहां पर बैठ के सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, जो संघ के खिलाफ जहर उगला जाता है दिन रात, लेकिन उस पर कोई कुछ कॉग्निशंस नहीं लेता, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन वहां पे अगर महाराष्ट्र की सरकार में महाराष्ट्र की पुलिस के खिलाफ अगर कोई मीडिया चैनल बोलता है तो उस पर हमला होता है, उसके परिवार पे हमला होता है, उसको जेल में डालने की कोशिश की जाती है। ये क्या है सब? क्या हम एक पुलिस स्टेट में रह रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे संविधान की जो प्रक्रिया है, हमारे संविधान के जो प्रावधान है, उनका क्या होगा? ये बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। इस पे मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई और एनआईए की इन्वेस्टिगेशन बेहद जरूरी है और इस पे महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना होगा। जी 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 अर्णब गोस्वामी के विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार एफआईआर दर्ज करवाया उन्होंने और कहा कि पुलिस को धमकी दे रहे हैं अर्णब गोस्वामी, धौंस दिखा रहे हैं। जो पुलिस कमिश्नर है उनका नाम उन्होंने अपने डिबेट शो में लिया था और इंडिया बुल्स घोटाले की भी उन्होंने बात कही थी और कहा था कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं और वो बहुत जल्दी सच सामने आएगा। जिस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है महाराष्ट्र सरकार और साथ में ही मुंबई पुलिस। यही एक सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम में गलत झूठा पिटीशन डाल के, अपनी ताकत दिखाना चाह रही है। मैं ये कहता हूँ कि वहां पे पुलिस को अर्णब गोस्वामी धमका रहे हैं या पुलिस अर्णब गोस्वामी को धमका रही है? जी, कानून के हिसाब से दोनों एक दूसरे को नहीं धमका सकते। मैं पूछता हूँ कि पुलिस ने जो अर्णब गोस्वामी की परिवार पे हमला हुआ उस पर इन्वेस्टिगेशन क्या किया? क्या पुलिस भी कानून से ऊपर है? पुलिस के मन में जो आएगी सो करेगी, किसी को भी उठा के जेल में डाल देगी? जी जी सर, इस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि अर्णब गोस्वामी पुलिस वालों को निर्देश दे रहे थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यही सवाल पूछा था कि आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं लेकिन जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया है उनका क्या हुआ, वो जांच कहाँ तक पहुंची? बात बताइए भाई, एक व्यक्ति का, चाहे वो सोनिया गांधी हो चाहे कोई भी हो, एक उनका पुराना नाम उन्होंने लिया, ठीक है, क्या उनका नाम नहीं था? इसमें बुरा मानने की क्या बात है भाई? और फिर अगर मान लीजिएगा आपने एज एक्यूज जो है अर्णब गोस्वामी को वहां पे बुलाया अपने थाने में इन्वेस्टिगेशन के लिए और उसमें एक्यूज ये कहता है कि भाई ये फैक्ट्स हैं, इस पे आप जो है सोनिया गांधी से जो इसमें जिनके बिहाफ पे कंप्लेन उसके अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दायर हुई है उनसे भी पूछताछ कीजिए, इसमें क्या बुराई है? क्या उनको सोनिया गांधी को थाने में आ नहीं सकती क्या? क्या वो कानून से ऊपर है सोनिया गांधी? सर कांग्रेस ने अर्णब गोस्वामी और आर भारत चैनल पर बैन करने की मांग की है। उनका आरोप है कि चैनल द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है और इस जिस तरीके से अब कांग्रेस ये कह रही है कि चैनल को बैन किया जाए, इससे पहले अर्णब गोस्वामी पर बैन लगाने की मांग कर रही थी, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या चैनल पर बैन लगाना चाहिए? इतिहास अब नहीं दोहराया जाएगा, इमरजेंसी का इतिहास अब नहीं दोहराया जाएगा, अब जनता सड़कों पे आ जाएगी, इसमें क्या बैन करने की चीज है साहब? एक स्वतंत्र पत्रकार, एक स्वतंत्र मीडिया जो है अपनी बात रखता है और आप उसको बैन करने की बात करते हैं? आपकी बैन शब्द आपकी जबान पर क्यों आता है? जी, क्या आप पुलिस स्टेट में लोगों को डालना चाहते हैं? यहाँ पे आपकी प्राइवेसी का हनन नहीं होता? क्या आप यहाँ पे एक ऐसा आतंक फैलाना चाहते हैं जिसे क्या कहते हैं एक स्वतंत्र आवाज को हर वक्त दबाया जा सके? क्यों बैन होगा भाई? स्वतंत्र पत्रकार है वो अपनी बात रखता है। बाकी और चैनल के बारे में जरा कह के दिखाइए ना बैन, पता चल जाएगा आपको। जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाला साहब ठाकरे का ये महाराष्ट्र जिसमें आज ऐसी स्थिति अर्णब गोस्वामी जैसे राष्ट्रवादी पत्रकारों के लिए हो रही है, ये बड़े चिंतनीय बड़े दयनीय विषय है। जी सर, वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो स्थिति अभी बहुत ही दयनीय स्थिति बन हुई है महाराष्ट्र की, जब से कोरोना वायरस का संक्रमण आया है हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, संक्रमित लोग बढ़ रहे हैं, अव्यवस्था वहां पर पूरी तरीके से फैली हुई है, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं लेकिन उन पर कार्रवाई करने के बजाय महाराष्ट्र पुलिस सिर्फ और सिर्फ एक पत्रकार के पीछे पड़ी हुई है सवाल पूछने पर। सोचने की बात है साहब के क्या कहते हैं, इमरजेंसी में जिस वक्त इमरजेंसी लगाई गई जी उस पर में जो है लोगों का हित नहीं ध्यान में रखा गया, कांग्रेस ने और इंदिरा सरकार ने अपना हित ध्यान में रखा। आज भी जब महाराष्ट्र में लोग मर रहे हैं, कोरोना फैल रहा है,
उन्हें कोरोना की चिंता नहीं, उन्हें वहां के लोगों की जनता की कोई फिक्र नहीं है। लोग मरे तो मरे, लेकिन उन्हें अपना जो दुश्मन है उसको ठिकाने लगाना है। जी जी, उन्हें अर्णब गोस्वामी को ठिकाने लगाना है, उन्हें राजनीति करनी है। जी, राजनीति करते हैं जी। इस विषय में क्या कहते हैं, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और अब आज के भारत में ये चीजें नहीं बर्दाश्त होंगी। जी सर, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इन विषयों पर चर्चा के लिए। थैंक यू सो मच सर।